ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने के लिए मैंने रक्षित का वीडियो कई बार सुना। उसकी बातों में कई सारे रक्षित दिखाई दे रहे थे। उनकी बातों से मन दुखी हो गया कि एक पत्रकार को आज के दौर में कितना अपमान झेलना पड़ रहा है। रक्षित ने मंच पर किसानों को अपनी खबरों का पुलिंदा भी लहराकर दिखाया कि उनके काम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अपनी पत्रकारिता को इस तरह समेट कर पब्लिक में रख देना, ये दृश्य रुला देने वाला था। जब रक्षित ने कहा कि उन्होंने कभी दलाली नहीं की, ये सुनकर धक्का लग गया। चैनल्स के गोदी मीडिया बन जाने से उन पत्रकारों को भी ग्लानी का भार ढोना पड़ता है जो दलाली नहीं करते हैं। आप ईमानदार हैं मगर मालिक और एंकर के कारण दलाल की तरह देखे जा रहे हैं। एक आम ईमानदार पत्रकार पत्रकारिता न कर पाने से बेचैन तो है ही, चैनल के गोदी हो जाने के कारण दलाल की तरह देखे जाने से भी नजरें बचाकर ही जी रहा है। काश ऐसे ही ग्लानी उन पाठकों और दर्शकों को भी होती जो गोदी मीडिया के अखबार और चैनल्स के लिए पैसे देते हैं, दलाली देखने के पैसे देते हैं। आपने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पैसे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने के लिए एडमिशन मिला
हो सकता है मेरी माँ के बारे में भी कुछ कहे, लेकिन खड़ा हूँ और सीना ठोक के खड़ा हूँ, जो करना है कर लो। वो सवाल ये होगा कि आखिरकार तुम इस मंच पे क्यों आए? आखिरकार भैया सुन लो, मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, आपके लिए क्या नारे लगाने का है, सुन लो। मैं यहाँ आया हूँ है ना, अब मुझसे सवाल पूछा जाएगा कि इस मंच पे ही क्यों आया? गाजीपुर बॉर्डर वाले पे क्यों नहीं गया? टीकरी वाले पे क्यों नहीं गया? फलाने पे क्यों नहीं गया? ठिकाने पे क्यों नहीं गया? अरे यार, ये किसानों की महफिल पूरे देश में लगी हुई है और आज मुझे ये वाली महफिल तय करने के लिए भेजा था और ये रख दी मैंने कंपनी। तो भाई अगर एक्सट्रीम हुआ तो क्या करेंगे? अगर एक्सट्रीम हुआ ना तो ये ध्वनि है, ध्वनि फैला के गांव गांव घूमेंगे। धन्यवाद। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पेशे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाएंगे।